brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं देखा था 2 साल पहले मैं कहीं कि मुझे गडकरी जी ने कहा कि तुम मेरा वजन कम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये रोड दे दूंगा। मैंने पतो लगाया कि उन्हें ऑपरेशन से कम करेगी क्योंकि मैंने दौड़ लगाई इनके कम करा। मतलब वहां भी झूठ। तो जीतू पटवारी उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के वजन कम करने को लेकर उन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि मेहनत से नहीं ऑपरेशन करवा कर फिरोजिया ने अपना वजन कम किया है। जीतू पटवारी उज्जैन आलोट क्षेत्र से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में नागदा खाजरोद विधानसभा में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये आरोप लगाया। देखो एक बात है, हूँ अनिल फिरोजिया जी कई पत्रकारिता का माध्यम से यह बात जाएगी। उनने एक वीडियो जारी करी, मैंने देखा था 2 साल पहले मैं कही कि मुझे गडकरी जी ने कहा कि तुम मेरा वजन कम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये रोड दे दूंगा। मैंने पतो लगाया कि उन्हें ऑपरेशन से कम करेगी क्योंकि मैंने दौड़ लगाई इनके कम करा। मतलब वहां भी झूठ। तो आप जिना आदमी को जो भावना है वह समझो। अरे कोई का सुख में आए हो, कोई का मरना में आए हो, कोई गर्दा में आए हो, कोई की शादी में आए हो, कोई का ब्याह में आए हो। अरे 50 करोड़ रुपया 5 साल में सांसद निधि मिला है, लगभग 50 करोड़, अलग अलग मत की कितनी मिला है। तुम्हारा गांव में 500 रुपया भी लगे कहीं इन्हें या पंचायत नगर पंचायत पत्रकार बंधु हो इसमें कोई सांसद निधि से कुछ लगा क्या। इधर जीतू पटवारी के आरोप पर अनिल फिरोजिया ने पलटवार किया है। फिरोजिया ने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसे प्रमाण है तो सार्वजनिक करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, इसका उत्तर तो आने वाले चुनाव में उज्जैन संसदीय क्षेत्र की जनता देने वाली है। जीतू पटवारी आपकी उपलब्धि बताओ, नकारे हुए नेता है, सिर्फ झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये इनकी फितरत है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का साधन समझते हैं और उसके लिए ये सतत झूठ बोलते हैं। भोली भाली जनता से मैं निवेदन करता हूं कि इनके भ्रामक झूठ में ना आए। इनने एक झूठ और बोला है कि मैंने वजन कम करा तो ऑपरेशन कराया। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये सिद्ध करें कि मैंने ऑपरेशन कराया, नहीं तो ये मेरा मेडिकल चेकअप कराए। मैं इनको मान हानि का दावा भी करूंगा और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने जा रहा हूं कि इनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने चाहिए जो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 23 फरवरी 2022 को अनिल फिरोजिया को चैलेंज दिया था कि वो अपना वजन कम करे। जितने किलो वजन घटाएंगे उतने 1000 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए दिए जाएंगे, जिसके कुछ महीनों में ही कई किलो वजन फिरोजिया ने घटाया था। अब फिरोजिया के वजन घटाने पर जीतू ने ये बड़ा आरोप लगाया है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।